नमस्ते, सलाम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं, जो पाकिस्तानी है, फ्रांस में है, पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहती हूँ। 14 अगस्त है आज, उनका दिन है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगर पाकिस्तान की बात होगी तो हिंदुस्तान को कौन भूल सकता है। तो कल हमारा भी इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडियंस को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की क्लास शुरू करने से पहले इंडिपेंडेंस डे विश करने के बाद आपकी कुछ सवालों के मैं जवाब देना चाहती हूँ। मुझसे एक व्यूअर ने पूछा था कि पिछली वीडियो में आपने हमें बताया था कि अगर किसी से पूछना हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसे पूछ सकते हैं चुआ कोपा। ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऑन पे फेयर कनेसांस का क्या मतलब है? अब ऑन पे फेयर कनेसांस का मतलब एक्चुअली हमारी कंट्री में ऐसे किसी लड़की को जाके कम ही बोलते हैं, कि हो सकता है कि बोलते हो, कि मुझे नहीं पता इस बारे में इतना डिटेल में, कि क्या हम जान पहचान आगे बढ़ा सकते हैं। बात करने का तरीका होता है, यहाँ पे फ्रेंच लोग ऐसे प्रेफर करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ऑन पे फेयर कनेसांस, कि क्या हम जान पहचान आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तो सामने वाला बोलेगा हाँ, तो ठीक है, वो आपको जानने में इंटरेस्टेड है कि आप कहाँ से हो, आप कौन हो, बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है। इसका कोई और मतलब नहीं है, ये सिर्फ बात करने का तरीका है कि कन्वर्सेशन किसी तरह से आपकी शुरू हो जाए, बस इसलिए ऑन पे फेयर कनेसांस बोला जाता है। आई होप मैंने उनका जवाब दे दिया जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा से कमेंट्स में लिख सकते हैं। एक और व्यूअर ने मुझसे ये पूछा है कि मेरी कोई डिस्क है जिसमें सारी मेरी क्लासेस रिकॉर्ड हैं, तो आई एम सॉरी, नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने कोई डिस्क बनाई नहीं है। आपको पता है मैं वीडियोस, मैंने जैसे कि आपको बताया था, साथ साथ बनाती रहती हूँ, तो पहले से कुछ रिकॉर्ड नहीं है। तो जो वीडियोज़ मेरी पहले से हो चुकी हैं, मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको फ्रेंच अगर अपनी इम्प्रूव करनी है तो मेरी वीडियोज़ को बार बार सुने। एकूते का मतलब सुनना होता है, एकूते encore et encore, सुने अगेन एंड अगेन, सुने बार बार, वीडियो सुने, एकूते encore et encore। तो बार बार जब आप वीडियो सुनेंगे, हो सकता है कि पहली बार आपको समझ में आ जाए लेकिन वर्ड आपके मुंह में ना चढ़े, हो सकता है दिमाग में पड़ जाए लेकिन आप भूल जाए। दूसरी बार सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, जब बार बार आप एक ही वर्ड को सुनते रहेंगे, एक तो मेरी वीडियो सुन सुन के, मेरी आवाज़ सुन सुन के आप भी तंग आ जाएंगे, आप बोलेंगे बस अब इसकी वीडियो हटा देते हैं, और वो वर्ड इतना आपके माइंड में चला जाएगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा। प्रैक्टिस चाहिए, एक वीडियो को चार या पाँच बार सुन लेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि वीडियोज में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही डालती, कुछ वर्ड्स डालती हूँ, तो इतनी वोकैबुलरी तो सीखने में मुश्किल नहीं है। तो जो मेरे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप चाहे तो उनको MP3 में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल में डाल सकते हैं, या टैबलेट है अगर आपके पास, या कंप्यूटर है, उनको सेव कर सकते हैं मेरी वीडियोस को। तो इससे ये होगा कि जो भी वीडियोस आप चलते हुए सुन सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आपकी रिपीटिशन होती रहेगी। आई होप मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सब ने जो फ्रांस में रहते हैं या जो किसी फ्रेंच कंट्री में गए हैं, अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सेंटेंस तो सुना होगा, सामने वाला आपसे पूछ रहा है वू रेगले कमो। वू का मतलब आप समझ गए होंगे, आप, कमो मतलब कैसे, रेगले मतलब करोगे पेमेंट, वू रेगले कमो मतलब आप कैसे पेमेंट करोगे। आप मैकडोनल्ड्स में जाएं, आप KFC में जाएं, आप कहीं भी जाएं, कैफूर, ओशान, लुकलेर, किसी भी मार्केट में जाएं, जब पेमेंट का टाइम आता है तो सामने वाली जो केसियर होती है, मैंने आपको बताया था केसियर या केसीए, वो होता है जो काउंटर पे खड़ा होता है, आपसे, आपको रजिस्टर करता है, आपके आर्टिकल स्कैन करके आपसे पैसे लेता है, तो वो आपसे पूछते हैं वो रेगले कमो, आप कैसे पेमेंट करेंगे। आमतौर पर जब मैंने अपने लोगों को देखा है तो वो वेट कर रहे होते हैं कि जो केसियर है वो उनकी शक्ल देखे, ताकि वो उसको इशारे से अपने हाथ में जो कार्ड है वो दिखा सके, या उनको बोलना ही नहीं आता तो वो दोबारा से रिपीट करते वो रेगले कमो, क्योंकि फ्रेंच समझ नहीं आती तो हम उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि पूछ क्या रही है, क्या ये हमसे लिफाफा पूछ रही है, लिफाफा चाहिए या कुछ और पूछ रही है, तो हमें पता नहीं चलता।
तो मैं इस वीडियो के जरिए उन लोगों का मजाक तो नहीं उड़ा रही, मतलब मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि सामने वाले को ये बोलना कि मैं पैसे से पे करूँगा या मैं कार्ड से पे करूँगा इतना मुश्किल नहीं है, वो आप इस वीडियो से सीख लेंगे। कुछ लोगों को आता है, जिनको आता है वो इस वीडियो को देख के उनके लिए एक तरह की रिविजन होगी, और जिनको नहीं आता नॉर्मली वो ये वीडियो सुनने के बाद आज के बाद कहीं भी जाके बोल सकते हैं कि मैं कैश से पे करूँगा या मैं कार्ड से पे करूँगा। तो ज़्यादातर तीन तरीके हैं जिनसे ज़्यादातर पेमेंट होती है, लोग पेमेंट करते हैं। एसपेस, एसपेस बोलते हैं कैश को, पैसे को, एसपेस। अब आप बोलेंगे आपने बीए वर्ड भी सुने, बीए नोटों को कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर एसपेस यूज़ होता है, मतलब मैं कैश पे कर रहा हूँ, कम ही बोलते हैं कि मैं नोटों से पे कर रहा हूँ। दूसरी ऑप्शन होती है ये कार्ड। अब इसको, ये बैंक का कार्ड है तो इसको कहते हैं कार्ट बंकेयर, कार्ट बंकेयर, क्योंकि ज्यादातर कार्ड जो होते हैं ब्लू होते हैं, इसका दूसरा नाम कार्ट ब्लू भी है। कार्ट बंकेयर बोले, कार्ट ब्लू बोले, चाहे आपका कार्ड गोल्डन भी है तो हम समझ जाएंगे कि कार्ट ब्लू ही है। तीसरी ऑप्शन है चिके रेस्टोरेंट। चिके रेस्टोरेंट ये बातिमो वाले लोगों को तो कम पता होगा, लेकिन जो रेस्टोरेशन में है उनको पता होगा, जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं। चीके रेस्टोरेंट, अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं, क्योंकि उनके हाथ में तो आती है जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि इसका सिस्टम है क्या। सिस्टम ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको सैलरी देती हैं, बड़े लोग जो काम करते हैं कंपनीज में, काफ़ी कंपनीज हैं जो चीके रेस्टोरेंट करती हैं, तो जब वो लोगों को सैलरी देती हैं तो एक्स्ट्रा उनके पास ऑप्शंस होती हैं, सैलरी में से जो पैसे काटे जाते हैं, वो कहती हैं कि अगर आप चाहो हम आपको चीके रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमारी कंपनी में ऑप्शन है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। वो अपने जो बंदे काम करते हैं उनको बोलते हैं कि अगर चीके रेस्टोरेंट 10 यूरो 58 सेंट्स की है तो कंपनी अपनी तरफ से 50% डालेगी, या हो सकता है कि कंपनी अपनी तरफ से 5 यूरो 58 सेंट्स डाले और आपको बाकी कंप्लीट करने पड़ेंगे, आपकी सैलरी में से काटे जाएंगे। कुछ कंपनियां होती है, मतलब परसेंटेज होती है, कंपनी बोलेगी कि अगर आप चीके रेस्टोरेंट लोगे तो आपको फायदा है, क्योंकि हम अपनी तरफ से 7 यूरो 58 सेंट्स डाल रहे हैं और आपको सिर्फ 3 यूरो डालना पड़ेगा, तो 1 महीने की 20 टिके रेस्टोरेंट हुए, क्योंकि वीकेंड तो काउंट नहीं होते, तो हर महीने अगर ये लोग 3 यूरो डाल रहे हैं, 60 यूरोस उन लोगों के अकाउंट में से निकलते हैं, जिसके बदले उनको चीके रेस्टोरेंट दिए जाते हैं। चीके रेस्टोरेंट का फायदा ये है कि ये खाने वाले हर जगह पे चलते हैं, रेस्टोरेंट में यूज हो सकते हैं, कारपूर में आप सामान ले सकते हैं, तो ये फूड इंडस्ट्री के लिए, मतलब जो खाने वाला सामान होता है उसके लिए। तो ये तीन ऑप्शंस होती हैं, एसपेस कैश, कार्ट बंकेयर या कार्ट ब्लू, चीके रेस्टोरेंट। अब ये बोलना कि मैं कार्ड से पे कर रहा हूँ या कार्ट ब्लू से पे कर रही हूँ बहुत आसान है, तो आज के बाद किसिया की शक्ल देखने के बजाय उसको सीधा जाके बोलें जे पे ऑन एसपेस, मैं कैश में पे करूंगी या करूंगा। या अगर आपको लगता है कि जे पे ऑन एसपेस लंबा है या रश बहुत है टाइम नहीं बोलने का, तो जल्दी में भी आप बोल सकते हैं ऑन एसपेस सिल वू प्ले, ऑन एसपेस सिल वू प्ले, या जे पे ऑन एसपेस, या ऑन एसपेस सिल वू प्ले, या ऑन एसपेस अगर सिल वू प्ले बोलने का मूड नहीं है, सामने वाली किसी अगर इतनी खड़ूस है तो ऑन एसपेस बात खत्म। दूसरे ऑप्शन, जे पे पार कार्ट, मैं कार्ड से पे करूंगी या करूंगा। आप ये भी बोल सकते हैं जे पे पार कार्ट ब्लू, जे पे पार कार्ट बंकेयर, वो आपकी मर्जी है, या पार कार्ट सिल वू प्ले, या पार कार्ट। तीसरे ऑप्शन जो मैंने आपको भी बताई है, जे पे ऑन टिकट रेस्टोरेंट, मैं टिकट रेस्टोरेंट टिकट रेस्टोरेंट से पे कर रही हूँ, या ऑन टिकट रेस्टोरेंट सिल वू प्ले, ऑन टिकट रेस्टोरेंट। तो आज के बाद कभी आई होप आपके लिए मुश्किल नहीं होगा किसी को ये बोलना, मैकडोनल्ड में जाएं, KFC में जाएं, कहीं भी जाएं, आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं। और प्लीज़, मैंने बहुत बार सुना है लोगों को बोलते हुए, इसी इलाके यहाँ पे कार्ड है, सेला क्या, कहने का मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मैं कार्ड से पे कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलते हैं इसी ला क्या सेला क्या। तो सही है, बात तो उनकी समझ आ जाती है सामने वाले को, लेकिन अगर फ्रेंड सीखनी है तो सही तरीके से सीखो। वाला इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, कमेंट्स करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन पाकिस्तानियों को और हिंदुस्तानियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड अवा अभी तो।